तो भाई एक सवाल बच्चों के दिमाग में ये होता है कि अगर हम जब 10वीं के बाद 11th में एडमिशन लेते हैं तो हम मेडिकल लें नॉन मेडिकल लें या मेडिकल के साथ एडिशनल मैथमेटिक्स ले लें, और अगर हम भाई मैथमेटिक्स ले रहे हैं मेनली तो हम साथ में क्या ले लें, बायोलॉजी। ओके, मतलब मेन तो ये होता भाई कि हमको बायोलॉजी, हमको एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो भाई मैं इस बात के टोटली अगेंस्ट होता हूँ कि आपको कभी भी मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। या तो आप क्या लें नॉन मेडिकल यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या आप क्या लें मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्योंकि आप ये सोचते हो भाई अगर हम दोनों ले लेंगे, फिजिक्स हम ले लें नॉन मेडिकल लेकिन बायो क्या ले लें एडिशनल, या मेडिकल लेके हम क्या ले लें एडिशनल, तो हमारे पास जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज वो बढ़ जाएंगी। तो ये जो कैरियर जो ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं ये आप सिर्फ और सिर्फ 2 साल के, पहली बात तो 12वीं के ऊपर बेस्ड, इतनी सारी को कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती नहीं। आपको पता है 12वीं के बेसिस पे आप बहुत थोड़े बहुत छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। नौकरियां तो आपको पता है 12वीं लेवल बहुत ही क्या होती है भाई, थोड़ी होती है। ज्यादातर जो क्या होती हैं जॉब्स, उनमें या तो क्या मांगते हैं आपसे बीएससी, या क्या मांगते हैं आपसे एमएससी। तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई कोई फायदा है ही नहीं। आपने बायो कर भी ली या आपने मैथ कर भी लिया तो भी कोई फायदा नहीं है, इजंट इट। अब रही बात आपको हो गया भाई, लेकिन हमको क्या बोलते हैं एग्जाम, हम भाई नीट का भी दे सकते हैं और जेई का भी दे सकते हैं। अब भाई मानो चाहे मत मानो, नीट और जेई का एग्जाम सच में मुश्किल तो होता ही है। यहां पर 1% का क्या होता है तकरीबन सिलेक्शन रेट। ओके, तो आप एक के ऊपर फोकस कर लो तब आपका एग्जाम पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे, कि आप दोनों में दोनों नाव में सवार होगे तब चांसेस ज्यादा होंगे। जितना आपका फोकस, जितना आप ज्यादा कंसंट्रेट करते हो, वो एक सब्जेक्ट आपके हो सकता है आपका नीट पास होने लग रहा हो और आपका नीट पास ना हो पाए, सिर्फ किस लिए, क्योंकि आपने वो टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर दिया मैथमेटिक्स पढ़ते हुए। हो सकता है आपका जेई मेंस एडवांस दोनों पास हो जाते, लेकिन वो थोड़ा बहुत टाइम आपने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया बायो में। तो बेटर ये है आप पहले डिसाइड कर लें, और हर बच्चे को पता होता है भाई, ठीक है हाँ आप ये काम कर सकते हैं भाई कि कुछ दिन दोनों क्लासेस में बैठ के देख लें। वैसे तो बच्चों को पता होता है भाई 10वीं के बाद उसको बायो में मजे आते हैं कि नहीं आते, समझे मेरी बात, मैथ में उसको मजे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अपना शुरू से क्या लेके चलो, नॉन मेडिकल या मेडिकल। आप मुझे बताओ अगर कभी आपने एक लेंस देखा हो, एक कन्वेक्स लेंस होता है, एक समझे बता एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, अगर आप एक कागज को कहां पर रखते हो सीधे धूप में, क्या वो जलता है, बिल्कुल नहीं। आप जब एक क्या रखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास तो क्या हो जाएगा हमारे पास इस कागज को, क्यों, मैग्नीफाइंग ग्लास ने कुछ नहीं किया, उसने सूरज की जो रोशनी थी उसे क्या कर दिया कंसंट्रेट। जब वो कंसंट्रेट करता है ना, और अगर आप बहुत बड़े बड़े मिरर ले लेते हो तो उसे आपको पता है पत्थर को भी मेल्ट किया जा सकता है, इतनी ज्यादा हीट वहां पर पैदा कर सकते हो। तो कंसंट्रेशन का इतना फायदा होता है। वही सनलाइट जब क्या है स्प्रेड हो रखी है तो कागज को भी जला नहीं पा रही, और वही सनलाइट अगर मैं क्या करता हूं एक मिरर या लेंस के जरिए कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पर डालता हूं तो पत्थर भी जल जाता है भाई। तो आप बेशक कितने होशियार हो, मेरी रिकमेंडेशन होती है भाई आप अपना एक एग्जाम पास कर लो, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। और आप कहोगे तो नौकरी में तो फायदा है नहीं भैया, आपने 12वीं से कर भी रखी कोई फायदा नहीं है। रही बात एग्जाम की कि आप दोनों के फॉर्म भर सकते हो, तो आपने क्या करना बताओ भाई, बताओ। तो आप नीट का और जेई का दोनों फॉर्म तो भरोगे नहीं, पक्की बात है, कोई भरता है, किसी ने एडिशन ले भी रखा है तो नीट दोनों के फॉर्म नहीं भरता, उसको पता है एक में सिलेक्शन हो जाए दैट इज, वो भी बहुत ज्यादा क्या होता है चैलेंजिंग होता है, नहीं समझे बात। और आपको मान लिया दोनों हो गए, फिर भी मैं कहता हूं आपका जो रैंक होएगा ना, आपका नीट हो भी गया और मान लिया आपका जेई भी हो गया, दोनों में रैंक कैसी रहेगी, दोनों में कहीं अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिला। अगर वही फोकस एक पे होता तो आपको कहीं ना कहीं IIT में एडमिशन मिलता, या आपको कहीं भाई एम्स वगैरह में एडमिशन मिल जाता। तो भाई मैं इसलिए सजेस्ट हूं, ऐसा कोई बेनिफिट तो है नहीं फ्यूचर में, और आपका जो फोकस है वो भाई एक पूरा सब्जेक्ट के ऊपर आपने फोकस करना पड़ता होता है, ठीक है बात।
तो मैं इसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। दूसरा, आपको पता है बीएससी में जाके आप वैसे भी कैंडिडेट ले सकते, बीएससी में आप एडिशनल चला नहीं सकते, बीएससी में तो कंडीशन है भाई, अब आपने रखना ही क्या है, या तो नॉन मेडिकल या मेडिकल, या तो बीएससी में तो इतना फोकस है, उनको पता है कि बीएससी में फोकस करना, इसीलिए आप ये बताओ, नहीं तो बीएससी में ऑनर्स क्यों कहते हैं, कहते हैं या तो बीएससी में क्या रखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर ये बोले अकेले क्या पढ़ो केमिस्ट्री, अकेले क्या पढ़ो मैथ, अकेले क्या पढ़ो बायोलॉजी, उसको बोलते हैं बायोलॉजी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स। मतलब वो तो चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो वो केमिस्ट्री के अलावा बीएससी में और सब्जेक्ट सिर्फ क्या पढ़े, नाम नाम के, नाम मात्र के, सिर्फ वो नाम नाम के होते, सारा उसे उनको पता, अब इसको कंसंट्रेट करना क्या बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट भाई उसके दिमाग में फितूर इस मामले में कि वो बीएससी में ऑनर्स की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड, ऑनर्स की आपको भाई सहूलियत प्रोवाइड करने लग रही है। तो मैं भाई बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है बायो भी ले रहा, मैथ भी ले रहा भाई, अरे वही अगर आपका एग्जाम पास होने में अगर मान लिया 10% भी आपका एफर्ट अगर वहां पर स्प्रेड होता है, और आपको पता है नीट में जेई में तो एक भी नंबर कम होता है ना, आप कहीं हजारों में आपकी रैंक नीचे आके लगती होती है, समझ गए बात, कई बार ऐसा होता है 2 नंबर कम हो गए तो जहां एडमिशन आपका एम्स में होना हो वहां एडमिशन आपका भाई किसी बिल्कुल भाई प्राइवेट कॉलेज में जाके होता है फिर तो, ओके, वहां पर एक एक नंबर के लिए क्या होती है मारा मारी। तो मैं बिल्कुल रेकमेंड आपको नहीं करूंगा भाई। और आपको पता है एमएससी में तो सब्जेक्ट ही एक होता है, या तो केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो या मैथ, ओके, तो भाई अगर आपने कॉम्पिटिशन के लिहाज से पढ़ना है तब तो आप डेफिनेटली क्या रहो, या तो नॉन मेडिकल या मेडिकल, ओके। और आपको ना हमको तो भाई क्या बोलते हैं एमएससी में जाना है, ठीक है, अरे भाई फिर तो आपको पता वहां पर तो वैसे भी क्या होती है स्पेशलाइजेशन, बीएससी में तो आप वैसे भी चारों नहीं रख सकते, तो एमएससी में आप ये नहीं है, अगर मैंने बीएससी में मैंने क्या दे रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मैं एमएससी केमिस्ट्री किस में कर सकता, मैं एमएससी किस में कर सकता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में कर सकता हूँ, बायो में नहीं कर सकता आपने। हाँ ये हो भाई कि आपको बीएससी में क्या अलाउ करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, और तब भी आपको पता इतना कोई नहीं होता भाई कि वो चार चार उसको भी ऑप्शन चाहिए, अभी भी वो डिसाइड नहीं कर पाया है कि मुझे एमएससी किस में करनी है, एम आई राइट। तो अपने फोकस को भाई मैं आपको बताऊं, इंटेलिजेंट बच्चे रह जाते हैं भाई एग्जाम पास होने से रह जाते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, ओके। और आप ये देखी सुनी बातों के जरिए अपने फोकस को ऐसे डाइवर्ट करते, स्प्रेड आउट करते रहोगे तो उसका फायदा नहीं होगा। एग्जाम इंटेलिजेंट होने के साथ साथ, मेहनती होने के साथ साथ उतना ही जरूरी यहां पर फोकस भी है, फोकस भी यहां पर क्या है उतना ही जरूरी, और वो फोकस उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से क्या होता है, उसका फायदा 5 होता है, नुकसान उसका 500 होता है, बाकी आपकी मर्जी भाई, ओके।